जांजगीर चांपा जिले के जिला शिक्षा कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। लिपिक संघ के पदाधिकारियों ने अपने साथी क्लर्क पर हुए कार्रवाई को लेकर डीओ कार्यालय में हंगामा किया है और साथी पर हुई निलंबन की कार्रवाई को रद्द करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हंगामा देख जिला शिक्षा अधिकारी HR सोम कार्यालय छोड़कर भागने लगे। किसी तरह बाजू के आबकारी विभाग के अधिकारी के चैम्बर में घुसकर अपनी जान बचाई। शिक्षा अधिकारी ने बीच बचाव के लिए कोतवाली पुलिस को बुलाया और आपको बता दें कि मौके पर दलबल सहित पुलिस पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि लिपिक के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को भ्रष्टाचार मामले में निलंबित किया गया है। मामला एक प्राइवेट स्कूल के संचालक को RTE की राशि को लिपिक द्वारा साठगांठ कर अधिक भुगतान करने का है। साथ ही शिक्षा विभाग ने लिपिक ने 72,27,000 से अधिक राशि का भुगतान कर दिया है। डीओ ऑफिस में एक कर्मचारी को उनके वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ पैसे के लेन देन और ज़्यादा स्कूल प्रबंधक को प्रोवाइड करवा दिए थे, जिस संबंध में जो डीओ साहब हैं वो कर्मचारी को निलंबित कर दिए थे, जिसमें पूरे स्कूल और ये भी ऑफिस के कर्मचारी लोग धरना पे प्रदर्शन पे बैठे हुए थे कि निलंबन की बहाल किया जाए, नहीं बहाल करते हैं तो और अग्रिम तक की कार्यवाही करेंगे। ये प्रकरण जो है 17-19 बीच का है, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राइवेट विद्यालय को विद्यालय शुल्क की प्रतिपूर्ति दिया जाना था। हाँ, ये भी विद्यालय जो है मयूरा कॉन्वेंट विद्यालय बड़ौदा विकासखंड में स्थित है, इनकी प्रतिपूर्ति राशि जो है 7 लाख के समथिंग थी और 7 लाख की जगह जो है इनको 72 लाख भुगतान कर दिया गया और आज तक जो है इस राशि का समायोजन नहीं हुआ है। माननीय डायरेक्टर साहब से भी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद पूरा जो है प्रकरण क्लियर हो गया। अचानक से 2 तारीख को निलंबन की कार्रवाई की गई है, जबकि हमारे संगठन का मांग था कि पहले जांच किया जाए, जांच के बाद दोषी अगर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।